और गाइज यहाँ देखिए, यहाँ अभी चिप्स काट रही है ज्योति केले का। दोस्तों अभी जा रहे हैं लोग इसमें धनिया पत्ता ऐड करने। और गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमारा केला का सब्जी बन के तैयार। नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योति राजगोविंद ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम लोग भी ठीक है। और दोस्तों अभी सुबह का वक्त हो रहा है तो आप सभी को सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और गाइज आज के इस ब्लॉग को हम लोग शुरू कर रहे हैं लोग अपने प्यारे से मंदिर के पास से। अभी देखिए यहाँ पे पूजा पाठ हम कर लिए हैं। आइए दोस्तों आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी का। और गाइज हमारी कौरी भी नहा धोवा के देखिए हमारे साथ पूजा कर रही है। बेटा क्या पूछ रही थी भगवान जी से? क्या पूछ रही हो? अभी देखिए कृष्ण भगवान का मूर्ति है यहाँ पे, उनसे पूछ रही है कि आपका नाम क्या है। उसी समय से पूछ रही है आपका नाम क्या है भगवान जी। अब बेटा राधे राधे तो आप बोल नहीं, राधे राधे बोल दीजिए, राधे राधे। और गाइज अभी देखिए ज्योति को, ज्योति हम लोगों का नाश्ता निकाल रही है, यहाँ पे दलिया बनाई हुई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज साड़ी पहनी हुई है ज्योति। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे केले का सब्जी का रेसिपी, जो कि उस दिन ज्योति बनाई थी पिछले ब्लॉग में। केले को फ्राई करके जो केले का सब्जी बनता है काफ़ी टेस्टी बनता है, तो आप लोगों का कमेंट आया था उसका रेसिपी देने के लिए, तो हम लोग इस ब्लॉग में आप लोगों को रेसिपी बना के देंगे। क्या ज्योति? सो गाइज अभी देखिए, अभी ज्योति केला ले आके और उसका छिलका निकाल रही है चाकू की मदद से। अभी उसको अच्छे से छील के उसके बाद इसको ठंडे पानी से धोया जाएगा। गाइज अभी आ गए हम लोग छत पे मसाला तैयार करने के लिए। तो इसमें देखिए अभी ज्योति लहसुन और सरसों और हल्दी अभी पीस रही है। गाइज परी को देखिए लकड़ी का राख उठा के पढ़ाई करे। किसका पुतला बना रही है बेटा? देखिए ना काका गोल गोल बनाई हुई है मुड़ी आँख। क्या बना रहा है बेटा? बाबू बना रहा है। तो गाइस अभी देखिए यहाँ पे हम लोग गैस ले आकर रख दिया लोग, और कढ़ाई चढ़ा दी है, अभी कढ़ाई गर्म हो रहा है। तो ज्योति को देखिए, ज्योति यहाँ पे केले का चिप्स काट रही है। आइए आप लंबा लंबा काट रहा है ज्योति, आप लोग गोल भी मन करके गोल काट रहे हैं। हाँ वो आपके ऊपर है, आप लंबा भी काट सकते हैं गोल भी काट सकते हैं। और गाइस देखिए यहाँ तेल गरम हो गया था और ये इतना सारा चिप्स अभी रेडी हो गया है। तो सरसों डाल देंगे तो एडी कर देंगे फ्राई करने के लिए। और गाइस ये देखिए अभी केले के चिप्स को फ्राई करने जा रही है ज्योति। इसमें ना दोस्तों आप लोग चाहेंगे तो बेसन मसाला कुछ लगा के भी पकौड़ी की तरह तो बना फ्राई करके बना, और ऐसे प्लेन भी फ्राई कर सकते हैं क्या ज्योति? क्योंकि उसमें ज़्यादा तेल लग जाता है अगर बेसन लगाएंगे तो। क्या ज्योति? ये देखिए ऐसे भी अच्छा बनता है, कुया भी नहीं पड़ता। एक तो खड़े डाल दी थी तो अभी काट रही है उसका। भूल गई थी नमक तो। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे टेस्ट के लिए। ज्योति तो ऐसे ही खाने लगती है, अभी फ्राई हो जाएगा तो देखिएगा खाएगी एक एक तो निकाल के। तो इसमें तो हम पीस दिए हैं लहसुन है, सरसों है और हल्दी है। अब काली मिर्च डालेंगे हम, इससे डालते हैं दोस्तों 1 चम्मच बड़ा चम्मच धनिया। धनिया पाउडर है दोस्तों, धनिया डालेंगे दोस्तों हम, जो सेलेक्स वाला नहीं आता है चम्मच, इससे डालते हैं। इससे हम 1 चम्मच डालते हैं दोस्तों इसमें लाल मिर्च। ये लाल मिर्च पाउडर है दोस्तों 1 चम्मच, कश्मीरी नहीं है दोस्तों तीखा वाला। हाँ और ये देखिए केला का कलर देखिए कितना प्यारा कलर आ गया केले का। और ये है दोस्तों जीरा पाउडर आधा चम्मच। हम लोगों के पास बड़ा चम्मच है, आप लोग अपने चम्मच के हिसाब से मिला लीजिए। दोस्तों हम एक में करके सब लाए हैं, और इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं दोस्तों, हमारे पास ये मीट मसाला। ये मीट मसाला है दोस्तों, तो ये तो केवल टेस्ट के लिए होता है का ज्योति, इसको अच्छा इसको अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। बस हो गया मसाला दोस्तों, मसाला कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ देखिए यहाँ का केला का चिप्स भी अभी रेडी हो गया दोस्तों। ज्योति निकाल रही है उसको प्लेट में। ज्यादा लाल करने पर दोस्तों चिमर हो जाएगा, वैसे मसाला वसाला
ये देखिए। और गाइस केला का चिप्स निकाल के फिर से तेल डाल दिए थे लोग गर्म होने के लिए, और तेल गर्म हो गया। अभी इसमें ज्योति मेथी का फोरन दे रही है। ये देखिए दोस्तों मेथी का फोरन पड़ गया अभी, इससे और भी ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है दोस्तों, बिल्कुल मछली जैसा टेस्ट आ जाता है। प्याज भी डाल सकते हैं मन करे तो। हाँ हम लोग प्याज नहीं डालते हैं। और दोस्तों मेथी का फोरन देने के बाद देखिए ज्योति जो मसाला तैयार की थी, ज्यादा मत जलाइएगा दोस्तों, ज्यादा जल जाता है तीता लगने लगता है। देखिए इसमें मसाला डाल रही है और इसमें डाल रहे हैं लोग गाइस दो मीडियम साइज के टमाटर। अभी से ही देखिए ना कितना प्यारा कलर है। मैं तो जा रहा हूँ अभी केले का चिप्स ट्राई करने। अब नमक डाल देंगे दोस्तों। हाँ दो टमाटर डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक। हम लोग हाथ से ही आदत लग गया है ना दोस्तों, हाथ से ही डाल लेते हैं लोग नमक अपने स्वाद अनुसार। बेटा खाओ चिप्स केला का। देखिए परी देख रही है ध्यान से। अभी इसको ढकने जा रही है ज्योति ताकि मसाला पक जाए अच्छे से। दोस्तों हम जा रहे हैं केला का चिप्स ट्राई करने, आइए आप लोग भी खा लीजिए। अभी चेक करते हैं, आप लोग जरूर बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। ये भी काफी टेस्टी लग रहा है। खा बेटा हमारी परी निकाल रही है। और गाइस देखिए खाना बनाते बनाते माँ बेटी का प्यार उमड़ गया। वाह मामा मारी है ना बेटा, मार के प्यार दिखा रही है परी का। देखिए परी का दो दो दांत चूहा लेके चला गया है रात में। देखें देखें ले गया, जा ले गया आपका दांत चूहा। देखो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, दो ठो दांत चूहा लेके चला गया। नाक एकदम खून निकाल ले रही है, नाक में घाव हो गया परी के। गाइस अभी मसाले को लगभग 5 से 7 मिनट हुआ और ये देखिए इसका कलर काफी प्यारा अभी सही लग रहा है ज्योति। तो धुआं तो निकलवे करेगा बनेगा तो। दोस्तों अभी जा रहे हैं लोग इसमें धनिया पत्ता ऐड करने। आप लोग ऊपर से भी डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर से ही डालते हैं। का ज्योति हम लोग को पक जाता है ना थोड़ा। हाँ लेकिन हम लोग इसी में डाल के इसको पका देते हैं लोग तो और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोग दोस्तों, ज्यादा देर मत भूलिएगा। मतलब जैसे कि मसाला रेडी होने से 2-3 मिनट पहले डाल दीजिएगा लोग। गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मसाला भुजा गया है अभी खूब अच्छे तरीके से। क्या हो गया? और परी को देखिए, परी बैग लेके और रुमाल का साड़ी पहन के घूम रही है। अच्छा अभी पहना दे रहे हैं, अभी पहना दे रहे हैं। और गाइस देखिए यहाँ पे मसाला भुजा गया खूब अच्छे से और मसाले का कलर देखिए काफी प्यारा है। इसमें अभी ज्योति जा रही है पानी डालने। हम लोग दो ही आदमी है ना तो ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे इसमें, आप लोग अपने आदमी के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। एक बार बना के देखिए, काफ़ी टेस्टी होता है दोस्तों। आप लोग मछली खाना भूल जाइएगा, इतना टेस्टी होता है। हाँ दोस्तों यहाँ देखिए अभी मसाला खोलने लगा पानी डालने के बाद। अब इसमें डाल रहे हैं लोग जो केला का चिप्स फ्राई करके रखे थे लोग, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे दोस्तों बना के। ना ठीक बात, थोड़ा देर ही खोला हो जाए ना। और गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हमारा केला का सब्जी बन के तैयार। हाँ उतार दो, अब हो गया है खाने लायक। और देखिए कलर कितना प्यारा कलर आया हुआ है इसका, गजब का कलर है। गाइस आज का खाना रेडी हो गया। और ये था दोस्तों आज का हम लोगों का रेसिपी। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों में से कितने लोग इसको ट्राई करेंगे वो लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस आज के इस ब्लॉग को हम लोग रहने देते हैं यहीं तक। आशा करते हैं कि हमारा छोटा सा प्यारा सा रेसिपी ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से किसी प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों।